औलाद का ये फरीजा है मां बाप पर कि औलाद की तालीम और तरबियत ऐसी हो जाए कि जिससे उसकी दीनी और ईमानी बुनियादें मजबूत हो जाए, फिर जिंदगी के जिस शोबे में जाए, मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, साइंस में जाए, जिधर भी जाए, लेकिन इतना जरूर हो, इत्मीनान हो कि वो अच्छा मुसलमान बन के जिंदगी गुजारेगा। इस तालीमी तरबियती निजाम बनाना जिसे अल्लाह ने औलाद की नेमत दी है उस पर फर्ज है कि ये आग है, इससे औलाद को बचाना जरूरी है। और कहीं कहीं कुरान ने बताया भी है कि अगर ये गुनाह हुआ तो उसका अंजाम आग ही है। मसलककुम फी सकर कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, जहन्नम में क्यों पड़े हो? कहने लगा लम नकुम मिनल मुसल्लीन, नमाज नहीं पढ़ते थे। मसलककुम फी सकर, क्यों पड़े हो जहन्नम में? कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, नमाज नहीं पढ़ते थे। औलाद हो गई, जवान हो गई, न उसे नमाज आती है और न उसे नमाज के फरीजे का एहसास है। एहसास ही बाकी दीन शरीयत की कहां उसे आगाही है, जो इस्लाम की ऐसी बुनियाद है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया बिन नमाज के इस्लाम कोई नहीं। मेरी औलाद है, मेरी बेटियां हैं, मेरे बेटे हैं, आंखों के सामने हैं, खाते हैं, पीते हैं, और मेरी आंखों के सामने सेहतमंद होकर जहन्नम की आग की तरफ जा रहे हैं। बड़ा दिल गुर्दा इस मां बाप का जो देख रहा है और जाने दे रहा है। बड़ा दिल गुर्दा है, या तो अल्लाह का कहा सही नहीं कि हमारी समझ ठीक है, ये अल्लाह का कहा सच्चा है। वमन अस्तकु मिनल्लाह यकीला वमन अस्तकु मिनल्लाह हदीसा, कि अगर मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घराना अल्लाह की नाफरमानी कर रहा तो हकीकत में जहन्नम की आग की तरफ जा रहा। तो बड़ा दिल गुर्दा है उस मां बाप का कि अपनी औलाद को यूं आग की तरफ दौड़ते देख रहे हैं और पुरसकून बैठे। बड़ा दिल गुर्दा है। फमा अस्बरहुम अलन्नार, बड़ी हिम्मत है भाई, आग पे सबर कर रहा। अल्लाह का कहा सच्चा है ना।